पौड़ी में आज इगास को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं पौड़ी विधायक मुकेश कोहली, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के गांव नकोट इगास बनाने पहुंचे हैं। इस अवसर पर पौड़ी विधायक ने कहा कि इगास पर राज्यसभा सांसद की मुहिम रंग ला रही है कि पिछले वर्ष आदरणीय बलूनी जी के निवेदन पे और आदरणीय बलूनी जी के आदेश पे यहाँ पर डॉक्टर संबित पात्रा जी, विधानसभा उत्तराखंड के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और हम, मैं क्षेत्र विधायक, हम तीनों ही लोग यहाँ पर आए थे। आज फिर मुझे पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज इस कार्यक्रम को करने का, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से बलूनी जी ने ये पहल की है, इस कदम को उठाया है, जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्रवासियों को 11 दिन बाद श्री राम जी के अयोध्या पहुंचने का संदेश मिला, तो इस दिन को इगास के तौर पर मनाया जाने लगा, जिसको पहाड़ों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड प्रवासियों से गुजारिश कर इगास अपने गांव में मनाने का जो संदेश दिया है, तब से स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर खुशी भी है कि पहाड़ प्रेम को आज भी बरकरार रखा जा रहा है। इस दिन पहाड़ों में भैलो खेलकर और स्वाली पकौड़ी बनाकर इस दिन को मनाया जाता है। लोग समूहों में पारंपरिक गीतों पर नृत्य करते हैं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला ये पर्व इगास बग्वाल यानी दीपावली प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और पहाड़ों में बस्ती प्रेम सौहार्द की भावनाओं को जीवंत कर देता है। बहुत बड़ी बीमारी से वो बच गई। तम भगवान जी को भी धन्यवाद करता हूं, अजो लोगों ने बचाए, धन्यवाद। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।